हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और भी बहुत जल्द बन जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे, उसमें हम अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना हमें चटनी बनाना है हम नारियल डाल लेंगे। नारियल को देखिए टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। नारियल हमने इस जार में डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। आप चाहे तो इसमें भींगा हुआ चना दाल या भुना हुआ चना दाल भी डाल सकते हैं। चार पांच इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा ले सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, इसको भी डाल देते हैं। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हम थोड़ा अदरक और लहसुन डालेंगे। लहसुन को थोड़ा हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आधी छोटी चम्मच के करीब में इसमें हम जीरा भी डाल देंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से चटनी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीसने के लिए हमने सारी चीजें डाल दी हैं। अब चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी को हमने बारीक पीस लिया है। देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये ज्यादा पतली भी नहीं है। अगर आपको पतली चाहिए तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच दही डाल देंगे। आप चाहें तो दही की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इससे थोड़ा खट्टापन बढ़ेगा तो अच्छा ही लगेगा। दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी नमक की बारी आती है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का पैन में तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी उड़द की दाल डाल देते हैं। एक चुटकी हम इसमें हींग भी डाल देंगे। दो साबुत लाल मिर्च और राई के दाने भी इसमें डाल देंगे। और सबसे आखिर में इसमें हम करी पत्ता मिला देंगे। अब हमारा तड़का तैयार है। इसे हम चटनी में डाल देते हैं। हमारी नारियल की चटनी तैयार है। इसे आप इडली, डोसा, उत्तपम किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। नारियल की चटनी तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।